भाई असीब भाई, आपको पता है यार, कल आपका भाई एक नया प्रोजेक्ट ला रहा है। गेस करे क्या हो सकता है वो प्रोजेक्ट? ये लीक असीब भाई का हाल देखो और मेरा देखो। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है नाजरीन, और आपका भाई तकरीबन 9:53 में जा रहा है। आज थोड़ा लेट हो गया, वैसे जाता 8-9 बजे हूँ। कहाँ जा रहा है? सर्विस पे आपका भाई जा रहा है। वो आपके भाई ने ग्रैंडी सेल कर दी, जिसमें क्वेटा टूर मारा था, अगर याद हो आपको ये वाली। तो गाड़ी सेल करके आपके भाई ने ली है सिविक। सिविक जो ली है वो है 2021 का मॉडल है, लेकिन बंदे ने क्या लेवल का रखा है। ये गाड़ी आपके भाई ने 0 दी थी आज से 1-1.5 साल पहले, तकरीबन 21 में दी थी, 21 के एंड में के 22 के शुरू में दी थी। पर बंदे ने जो रखी है गाड़ी, आपको एक चीज चेक कराता हूँ, आप जरा ये देखें खाली। बंदे ने रूम इतना प्यारा रखा है कि भाई ये गत्ते जो है ना, इस तक पे पन्निया चढ़ाई हुई है भाई। अच्छा, अलग लेवल का ही रखा हुआ है ये। आप देखो, पूरी पन्निया ही पन्निया चढ़ाई हुई है। आप देख सकते हो, मैंने फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ भाई, रूम में लेदर चढ़े हुए देखे हैं। पन्निया सीटों पे अच्छी लगती है, पर यार यहाँ कौन चढ़ाता है यार? ये क्या है यार, कसम खुदा की। पीछे भी ऐसा हाल किया हुआ, पीछे सारा पूरा पन्नी पैक किया हुआ है, मर्डरर कार बनाई हुई है। ट्रक वाले, आपका पहिया भी ऊपर जा रहा है, थोड़ा रास्ता दीजिएगा, पंचर हो गया है बेचारे का टायर। मैंने कुछ तो हर किसी का शौक है भाई, कोई क्या चढ़ाते है कोई क्या। अभी चलते हैं सर्विस पे, मुझे तो नहीं पसंद भाई, हर किसी के अपने अपने शौक है। तो इसको उतारेंगे और फिर सर्विस करके जाएंगे शोरूम पे, और आज का क्या सीन होगा। और आज आपका भाई क्या करने वाला है, आपका भाई वो बाद में बताएगा गाड़ी सर्विस करके। फिलहाल ये उतार के सर्विस कर। आपके भाई ने गाड़ी सर्विस करा ली अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर शोरूम के लिए वाली साहब को फोन है कि भाई दूध लेके आओ शोरूम के चाय बनाने के लिए। तो मैं दूध लेने गया और डेयरी में मेरे को मिला ये इंसान। आप देखे जरा इसको, यहाँ आया हूँ दूध लेने और ये बंदा देखे। ये तो मैं सुबह सुबह आया, समोसे खाने के लिए मिलेगा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वो इंसान है जो भाई शोरूम पे कोई मर भी रहा होगा ना, तब भी ये 1 बजे 2 बजे नहीं आएगा, आएगा 3-4 बजे, सेठ नवाब बन के आएगा। लेकिन भाई जब इसको भूख लग जाती है ना, फिर ये 9 बजे भी घर से निकलता है। तो आज इस पे छापा पड़ा है, नाश्ता कर रहा था चुपके। आपके भाई ने भी इसके ऊपर भाई नाश्ता मुफ्त का करके आ रहा है। अभी ये भी आ रहा है शोरूम, और आपका भाई भी जा रहा है शोरूम। जी शोरूम तो आ गए जी। अभी बताते हैं वो बात कि भाई आपका भाई 20 तो खड़ी है, 20 जब बिकेगी तब देखेंगे। फिलहाल सेल के लिए खड़ी हो गई, और आपका भाई दूसरा प्रोजेक्ट देख रहा है। दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भाई मिशन स्टार्ट हो चुका है। तो कौन सा प्रोजेक्ट बनाएंगे आप भी थोड़ा बताएं और गेस करें। मेरे माइंड में तो एक है, लेकिन वो जब आएगी तब बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता। तो शोरूम पे आए और फिर काम वाम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, क्या सीन होगा। नमाज पढ़ने गया हुआ था, अल्लाह खैर करे, 20 बार खड़ी हुई है, गाड़ियाँ बाहर निकल रही है, पता नहीं क्या सीन है। असीब भाई रिव्यू में बैठ के निकाल रहे हैं, बीस्ट का लेवल है, लव बीस्ट। असीब भाई बाहर आओ जरा, आपका भाई खुद लेके जाएगा इसको।
चल आ जा भाई, चलते हैं साथ। भाई जान ये जो डाला है ना, इसमें एक डेंट है, वो निकलवाने जा रहे हैं। ये क्या रखा हुआ है? आसिफ भाई को बेइज्जती करके उतारा है बेचारे को। गजब बेइज्जती है। चलो भाई खोल ना। सलाम वालेकुम। आजा भाई आजा। कहाँ लेके जानी है इसको? तू मेरे बगैर जा रहा था, शर्म नहीं है तेरे को? मेरे बगैर तू कैसे जा रहा था यार? बस मर जा। मैंने नमाज पढ़ ली है, आसिफ भाई ने नहीं पढ़ी है। मैं आया तो भाई ये मेरे बगैर जा रहा था, डाले को लेके जाना था इसको। ये है जी डाला, और टेंट दिखाते हैं आपको। इसमें ये वाला टेंट है उस्ताद, ये टेंट उठेगा इसका। गाड़ी छोड़ के जाएंगे, मैं और आसिफ भाई जाएंगे पैदल शोरूम पे, वहाँ जाके मिलते हैं फिर। शोरूम पे तो आ गए लेकिन काम ख़त्म नहीं होते भाई। आसिफ भाई काम क्यों ख़त्म नहीं होते यार? जाएंगे एक काम से, और फिर आसिफ भाई बिरयानी खिला रहा है आज, है ना? फिर एक दूसरी चीज़ बताऊंगा आपको खाना खा के। बैटरी हो गई है लीक। आसिफ भाई का हाल देखो और मेरा देखो, ये बैटरी का तेजाब गिरा है। आसिफ भाई क्या हो रहा है? खुजली हो रही है। भाई बैटरी लेकर आए थे, वो लीक हो गई रास्ते में। हाल देखो हमारा। हैदराबाद की मशहूर बिरयानी आसिफ भाई की तरफ से विद कोल्ड ड्रिंक्स। शोरूम पे आ गए, और टाइम क्या हो रहा है भाई? 5:30 बज रहे हैं। असर की नमाज भी सारों ने पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आसिफ भाई आपको पता है यार, कल आपका भाई एक नया प्रोजेक्ट ला रहा है, गेस करे क्या हो सकता है वो प्रोजेक्ट? पता नहीं है, कल एक बड़ा ज़बरदस्त मतलब बीस्ट को छोड़ के दूसरा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए या नहीं? आसिफ भाई असर है यार। अमजद भाई आप बताओ यार, ये असर है खाऊ का प्रोजेक्ट होना चाहिए भाई, दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है, देखते हैं आप लोग को पसंद आता है या नहीं आता है। वैसे गेस करें कि कौन सा आ रहा है? मुझे तो पता है कौन सा आना है, आप लोग पता है ज़रा? इनको भी फिलहाल पता नहीं है कि कौन सा आने वाला है। वो सरप्राइज़ है, वो जब आएगा ना, वैसे आसिफ भाई तो फ्लैट हो जाएगा मुझे पता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट ऐसा है कि आप लोग को भी इंशाल्लाह उम्मीद है पसंद आएगा। 5 hours later पेट्रोल कम है, ज़रा पेट्रोल भरवाएं। पेट्रोल भरो भाईजान। रूम तो बंद कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी थक गए, जुमरात का दिन है पता है आपको, काम बहुत ज़्यादा होता है। पेट्रोल ज़रा भरवाएं, पेट्रोल भरा रहे हैं आज। जिमनी निकाली आपके भाई ने, अभी ज़रा पेट्रोल भरवाएं फिर मिलता हूँ। भर भी गया क्या भाई? जुमरात के दिन ना आपके भाई के पास काम बहुत होते हैं, और आपका भाई अकेला होता है तो इसलिए हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो लोग जितना बना सकते हैं भाई आपके लिए बना सकते हैं। और आज जुमरात की रात है, आपके भाई ने जिमनी इसलिए निकाली है, बीस्ट को अंदर खड़ा कर दिया क्योंकि आपका भाई जा रहा है कल न्यू प्रोजेक्ट लेने आपके लिए। भाई प्रोजेक्ट कल जाएंगे कराची लेने, एक प्रोजेक्ट कराची में खड़ा हुआ है, वहाँ से लेके आएंगे। बीस्ट को आज फिर रेस्ट पे खड़ा किया हुआ है, रेस्ट करेगी इस जुम्मे को फिर। तो अभी फारिग हो गए, खाना वाना भी खा लिया, घर पे फ्रेश हो गए बिल्कुल। अभी ज़रा जाएंगे कारी भाई को उठाएंगे और चाय पियेंगे। पता है जुमरात वाले दिन चाय में कभी मिस नहीं करता हूँ। चाय पीने आ गए, चाय भी आ गई, कारी भाई भी आ गया। कारी भाई आपको पता है कल मैं नया प्रोजेक्ट लेने जा रहा हूँ, पता है आपको? कौन सी गाड़ी? कल चल रहे हैं ना, आप भी साथ चल रहे हो, आप मैं और आसिफ भाई। सरप्राइज है, कल जाएंगे नया प्रोजेक्ट लेंगे, ठीक है ना? ठीक है। अभी जरा चाय पिए। बाहर गर्मी हो रही है, गर्मी है सर्दी है? मुझे तो आज गर्मी लग रही है भाई। नॉर्मल है सीन भाई। कल जाएंगे, कल जाएंगे भाई न्यू प्रोजेक्ट लेने के लिए। इंतजार करना, बड़े पसंद आएगा आप लोगों को। ज़रा अभी चाय पीते हैं और व्लॉग को करते हैं यहाँ एंड। दुआओं में याद रखना, थक गए बोर हिम्मत नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में न्यू प्रोजेक्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।